हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, यहाँ पर हो रही है फर्नीचर बनाने की तैयारी। मतलब यहाँ पर मैं उनको डिज़ाइन बता रही हूँ, वैसे वैसे वो डिज़ाइन बना रहे हैं। मतलब पहले पेंसिल से बना लेते हैं, उसके बाद वो जो है मतलब जो माइका है, या माइका बोल रही हूँ, जो प्लाई है वो काटते हैं। तो माइका माइका ही मुँह में आता है मेरे। तो इस तरह से ये प्लाई यहाँ पर ला के रख दिया है, ये सामान आ गया है पूरा का पूरा। तो यहाँ से वो डिज़ाइन निकालेंगे, उसके बाद मतलब पूरा जो फर्नीचर का काम है वो आज से स्टार्ट होगा। और ये पीओपी का काम कुछ बचा था, तो इसी वजह से वो पीओपी के लिए भी लोग आके उनका काम स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। और यहाँ पर भी फर्नीचर होगा, जहाँ पर आपको बेसिन का दिख रहा है ये एरिया, यहाँ पर भी फर्नीचर होगा। और यहाँ पर भी ये मंदिर का एरिया है, यहाँ पर भी फर्नीचर होगा। तो आपको मैं दिखा दूँगी बाद में कि कैसे कैसे होने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पीओपी का काम थोड़ा सा बचा था, एक्चुअली ये डिज़ाइन थोड़ी सी गलत कर दी थी उन्होंने। गलत मीन्स वो पल्ले ऊपर रखने के लिए वो जगह कर दी थी उन्होंने। तो मैंने उनको बोला कि वो पल्ले हम लोग निकाल देते हैं, यहाँ से पल्ले निकाल दिए हैं वो फर्नीचर वालों ने, फिर अभी वो पीओपी एक्सटेंड कर देंगे। तो ये पल्ले उन्होंने निकाल के रखे, जो पीओपी में अभी गैप दिख रही है वो गैप नहीं दिखेगी और पीओपी एक्सटेंड कर देंगे वो। कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको लुक दिखा दूंगी, फाइनल लुक उसका। और ये अभी वो बना रहा है, एक्चुअली मैंने उनको डिज़ाइन दिखा बता दिए, मतलब कैसे कैसे बनाना है। तो ये सारे डिज़ाइन मुझे ही देनी पड़ी है। और आप देख सकते हो यहाँ पर का जो खाना है वो ऊपर लेके गया है, और वो जो थर्मास है चाय भर के रखा है उसमें, तो वो इन लोगों के लिए रहता है। और देखो, जब मैंने खाना बनाया था उसी टाइम ये गैस का स्लैब क्लीन किया था, बट इतना ज़्यादा गंदा करके रखते हैं वो लोग कि आपको क्या बताऊँ। मतलब मुझे उसके बाद इतना क्लीन करना पड़ता है, बहुत सारा टाइम क्लीनिंग में ही जाता है उसके बाद वो लोग जाने के बाद। वैसे अभी पीओपी का ज़्यादा दिन का काम नहीं बचा है, तो वो पीओपी का काम एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वो कलरिंग वाले थोड़ा सा घसाई वगैरह करके जाएंगे, क्योंकि अभी जब तक ये फर्नीचर का काम नहीं होता पूरा, तो तब तक वो कलरिंग वाले हाथ नहीं लगा सकते अपने काम को। तो इसी वजह से ये पहले फर्नीचर का काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कलरिंग का काम होगा। और यहाँ पर जो सोफ़े की चेयर है वो एक्चुअली रखने के लिए जगह ही नहीं, तो हम लोगों ने ऊपर के रूम में ला के रख दी। और यहाँ की जो सोफ़ा और चेयर है वो जिम रूम में रखा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेट कर रही थी, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे यहाँ पर रहने के लिए। और कपड़े तो वहाँ पर ही रह रहे हैं, अभी वैसे ही रह रहे हैं। मतलब उसको फोल्ड वगैरह कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ भी करने से फ़ायदा नहीं है। और मतलब ज़्यादा के काम ही हो रहा है, इतना टाइम भी नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें ही चला जा रहा है, डिज़ाइन वगैरह देने में और बाकी के काम करने में सारा टाइम मेरा निकल जा रहा है। तो बस थोड़ा सा सेट कर रही हूँ, मुझे लगा कि थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा सेट कर लिया। और यहाँ पर देखो ये सारे गद्दे ये वो यहाँ पर ही रहता है, अभी इसको भी अच्छे से ठीक करेंगे। और यहाँ का भी ठीक हो गया है थोड़ा सा, वहाँ पर वो वास रखा है, ये यहाँ पर रखा है किचन का, और ये मेस तो यहाँ पर है ही, ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर एक बास्केट है, वो भी कपड़ों की है। मतलब थोड़े से जो कपड़े हमें पहनने होते हैं यहाँ पे, वो ला के रख दिए हैं हमने यहाँ पे, ऊपर लेके आए हैं। और जो बाकी के कपड़े हैं वो तो कबर्ड में ही है। तो ये जो सोफ़े के कॉर्नर वाला है वो हमने यहाँ पर रखा है, उसके लिए भी जगह नहीं थी। और बाकी का जो सोफ़ा है वो नीचे ही रखा है, ढक के साइड में करके रखा है वो। और यहाँ पर सारा कबाड़ा ला के रख दिया है, वो जिम रूम का कबाड़ा जो था यहाँ पर ला के रख दिया है। और ऊपर से बारिश भी हो रही है यार, रखने के लिए जगह भी नहीं है और पूरा सामान ख़राब हो रहा है हमारा। मैं आपको क्या बताऊँ, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी थे इसमें कुछ, और सडनली बारिश हुई ना, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम काफ़ी सारे ख़राब हो गए हैं। और इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है ना हमारा कि आपको क्या बताऊँ। मतलब जब बाद में हम लोग उसको लगा के देखेंगे तब पता चलेगा कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी तो फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ से उठा के रख दिया है वो जिम रूम में, बट अभी तो मतलब पता नहीं है हमें कि क्या ख़राब हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट पानी जाने की वजह से, बारिश का पानी गया है उसमें, तो ख़राब हो ही गया होगा। बट हमने ऐसे ही रखा है, ये प्याज व्याज यहाँ पर रख दिया है, बाकी का भी बहुत सारा सामान है जो अच्छा था वो भी गंदा हो चुका है। बट क्या कर सकते हैं, कुछ करने के लिए वो करना ही पड़ेगा। अभी ये तो मतलब रहने वाला घर है, और रिनोवेशन के टाइम हम लोग बाहर कहीं शिफ्ट भी नहीं हो सकते थे ना, तो इसी वजह से यहाँ पर ही हमें कुछ एडजस्ट करना पड़ा। और यहाँ पर थोड़ा सा कचरा था, तो वैक्यूम क्लीनर से मैंने माही को बोला थोड़ा सा ले लो, और उसके बाद मैं पूरा झाड़ू मार लूँगी, क्योंकि वो कचरा जमा हो गया था वहाँ पे। और यहाँ पर मैं इस रूम का दिखा देती हूँ आपको, इस रूम में इस तरह से ये पेटियाँ वेटियाँ रखी है थोड़ी सी, ये जो हमारा सेंटर टेबल है वो रखा है, ये जो सोफ़ा है पुराना वो रखा है, डाइनिंग टेबल यहाँ पर ला के रखा है, इस पे ही खाना हम लोग खाते हैं अभी।
मतलब यहाँ पर खाना ला के रख देते हैं नीचे से ऊपर, और यहाँ पर ही हम लोग खाना खाते हैं ये ड्यूटी जाने से पहले। और ये जो बाथरूम है वो भी दिखा देती हूँ अंदर से। यहाँ पर आज क्या बना था, रोटी का चूड़ा था थोड़ा सा वो बनाया था, और ये है मखाने वाली खीर, और ये है गोभी की सब्ज़ी, फूल गोभी की सब्ज़ी। और उसके बाद ये यहाँ पर राइस बचे थे रात के वो हैं, और उसके बाद ये दाल है, और इसमें भी राइस है कुकर में, और रोटी है। तो बस ये है आज का लंच, तो मैंने सोचा चलो आपको लंच भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने जो सामान है बाकी का, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइल्स वगैरह थी वो यहाँ पर ला के रख दिए हमने। और ये जो बाथरूम है ये इस तरह से, अभी थोड़ा सा इसमें भी कबाड़ा भर के रखा है, तो ये भी होगा अभी क्लीन। जब पूरा क्लीन होगा ना तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है, बट जो है वो भी मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए, इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया है सेंटर टेबल के नीचे, वो जो शोपीस थे वो सारे यहाँ पर रख दिए हैं। और देखो बुद्धा की जो मूर्ति है वो अद्विक ने नीचे गिरा दी, ऐसे ही मतलब लिटा दी, तो अब मैं वही खड़ी कर रही हूँ। और बस ये यहाँ का मैंने आपको दिखा दिया, अब चलते हैं बाहर। तो यहाँ पर माही का काम भी हो गया है, तो बस मैंने झाड़ू मारना है अभी, मैं झाड़ू मार लूँगी। इसके बाद ये अद्विक का कबाड़ा नीचे डाल दिया है, उसके जो खिलौने वगैरह है वो खिलौने से खेलता रहता है, नीचे नहीं जाता है, तो यहाँ पर नीचे ना जाने के लिए ही उसके खिलौने निकाल के रख दिए थे। बहुत सारे खिलौने भर के रखे हैं, वो जो थोड़े से तोड़े थे उसने वो डाल दिए थे वहाँ पर, वो खेलता रहता है दिन भर वहाँ पर। और बस यहाँ का झाड़ू मार लूँगी, और उसके बाद झाड़ू मारने के बाद और एक काम करना है मुझे, थोड़ा सा मेकओवर करना है रूम का, तो वो कर लेंगे, तो वो भी आपको दिखा दूंगी कि कैसे करने वाले हैं। एक्चुअली ना इतनी ज़्यादा ख़राब लगती है ना ये ऊपर की रूम, मतलब कुछ भी करो गंदा हो ही जाता है, इसी वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं यहाँ पे। इसीलिए ये जो मैट्रेस है वो थोड़ा सा ऐसे लगा रही हूँ, और उसके ऊपर जो कंफर्टर है हमारा वो रख दूँगी, मतलब डाल दूँगी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। तो ये छोटा सा मेकओवर हो रहा है इस रूम का, बस थोड़ा सा खुद को अच्छा लगने के लिए, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ गलाटा ही गलाटा है, इसीलिए थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए ये हम लोग कर रहे हैं। एक्चुअली इस रूम में ना वैसे भी कितना भी करो नीचे के जो पैर आते हैं गंदे, मतलब हम लोग बच्चों को तो नहीं लेके जाते हैं नीचे, बट मैं जाती हूँ, ये जाते हैं, तो नीचे के जो पैर आते हैं, मतलब फिर भी हम लोग स्लीपर्स ना वहाँ पर निकाल देते हैं ऊपर आते हैं, तो फिर भी जो है वो हो ही जाता है यार, सफ़ेद सफ़ेद पैर हो जाते हैं पूरे के पूरे। तो बस इस तरह से ये कर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ही हमें पूरा दिन बिताना होता है। और ये जो गैलरी है इस रूम की, वहाँ पर भी सारा कबाड़ा पड़ा है, ये जो ब्लैंकेट्स है वो सुखाने के लिए डाल दिया है, यहाँ पर ही हम लोग अभी कपड़े वॉश करके भी सुखाने के लिए डाल देते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह है वो भी सुखाने के लिए डाल देते हैं। तो यहाँ पर ही अभी ये गैलरी ऐसे ही यूज़ हो रही है, और ये जो मेकओवर किया है कुछ इस तरह से किया है बेडरूम का, और बस ये चेयर इस तरह से थोड़ा सा तो भी अच्छा लग रहा है यार, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और देखो यहाँ पर वो इस तरह से करके चले गया है, तो मैंने सोचा चलो ये बर्तन भी मैंने नीचे लाए थे जो हम लोगों के खाने के थे, ये इस तरह से गंदा करके चले गए वो लोग, नीचे का थोड़ा सा क्लीन करके गए हैं, मतलब नीचे का तो भी मुझे क्लीन नहीं करना पड़ेगा इतना, बट ऊपर का जो है वो इस तरह से ही छोड़ के चले गए हैं वो लोग। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गंदा करके चले जाते हैं यार, बाद में तो इतना ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है मुझे, थोड़ा सा करके जाते हैं, बट ये देखो एक्सटेंड इस तरह से किया है उन्होंने इसको, और अभी उसको पल्ले लगेंगे ऊपर वाले को, तो जहाँ देखो वहाँ गंदा ही गंदा दिखेगा आपको मेरा घर। इसके बाद तो और भी गंदा होने वाला है, क्योंकि जो स्टोर रूम का सामान है वो पूरा किचन में आने वाला है, और मेज़ दिखेगा आपको, बहुत ज़्यादा मेज़ दिखने वाला है इसके बाद भी। और बाद के जो वीडियो है मतलब व्लॉग्स है वो देखना मत भूलिएगा। और अभी मुझे इसको क्लीन करना है, तो अभी क्लीन कर लेती हूँ, और ये जो बर्तन है वो भी क्लीन करने हैं, और ये जो गैस का स्लैब है वो भी क्लीन करना है, क्योंकि खाना बनाना है यहाँ पे, तो खाना बनाने के लिए फिर मुझे ये क्लीन करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर ऐसे ही छोड़ दूँगी तो खाना कहाँ पे बनाऊँगी। तो ये दो टाइम क्लीन होता है, जैसे कि खाना बनाने के बाद एक बार, और ये लोग जाने के बाद एक बार, वैसे देखा जाए तो तीन टाइम भी क्लीन होता है, खाना बनाने के बाद रात को एक बार क्लीन करना ही पड़ता है, तो तीन टाइम हो जाता है क्लीन। देखो ये तो चलता ही रहता है, कुछ दिन क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद अच्छा हो जाने के बाद तो फिर और सब कुछ अच्छा दिखेगा, और जहाँ पर जो पहले भी अच्छा था और दोबारा अच्छा हो रहा है, मतलब और भी अच्छा दिखने लगेगा, आपको तो पहले से ही पसंद आता था, अभी और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है, मतलब
जब मैं ये एडिट कर रही हूँ थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है, क्योंकि अभी फर्नीचर भी थोड़ा सा बन चुका है, तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी फर्नीचर क्या क्या बना है। थोड़ा सा फर्नीचर भी बन गया है, उस पर मायका लगाना बाकी है, तो कुछ बना रहा है कुछ बन गया है, तो जो जो बन गया है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी, और जो बना रहा है वो भी दिखा दूँगी कि क्या क्या बना रहा है। थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ पर बन रहा है। तो ये यहाँ पर हो रहा है ऐसे। चलिए फिर ये क्लीन कर लेती हूँ इस तरह से बस, और उसके बाद मैं अपना जो काम है वो करने लगूँगी। मतलब शाम ही हो गई है अभी, तो बस उसके बाद मैं रात का खाना बनाने के लिए स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए अभी इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।